भारत और चीन के बीच विवाद और तनातनी एक बार फिर से सनसनी बन चुकी है। हालांकि खबरों के हिसाब से चीन ने पेंगोंग झील इलाके में एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की है, जिसकी वजह से दोनों सेनाओं के बीच झड़प भी हुई है। हम कुछ दिनों से अक्सर ये सुनते आ रहे हैं कि चीन भारत के कुछ इलाकों में बार बार प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार क्या वजह है कि चीन इन इलाकों को बार बार अपने अंडर लेना चाह रहा है? जारी बयान के मुताबिक 29-30 अगस्त 2020 की रात को चीनी सेना पीएलए के जवानों ने पिछली बैठकों में जो समझौता हुआ था उसे तोड़ते हुए ईस्टर्न लद्दाख के पास हालात बदलने की कोशिश करते हुए घुसपैठ की कोशिश की। हालांकि भारतीय जवानों ने पीएलए की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले भी भारत और चीन के जवान 15 जून को बॉर्डर के पास ही गलवान घाटी के आमने सामने हो चुके हैं, जहां पर हमारे यानी कि भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो चुके हैं। तो अब बात ये आती है कि आखिरकार चीन जो अपने कूटनीति और विस्तारवादी इच्छाओं के चलते दुनिया भर में अपने दुश्मन बना चुकी है, वो आखिरकार ऐसा कदम बार बार क्यों उठा रहे हैं? चीन की सरकार और सेना विस्तारवादी आशा रखता है, जिसके कारण वो अपने आसपास के पड़ोसी देशों के छोटे छोटे इलाकों पर हमेशा से कब्जा करते आ रहा है। भारत का अक्षाई चीन पर काफ़ी कमांड रहा है, लेकिन चीन भी इस इलाके में अपना दमखम रखता है और वो इस कमांड को पूरी तरह से हासिल करना चाहता है। लद्दाख के पेंगोंग लेक और गलवान घाटी ऐसे इलाके दोनों देशों के लिए काफ़ी ज़रूरी पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये इलाका टोपोग्राफिकल और डेवलपमेंट की दृष्टि से जिसके अंडर आ जाता है वो अक्षाई चीन पर अपने दावे को और मजबूत बना सकता है। चीन इस इलाके में अपना कमांड स्थापित करना चाहता है और इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी मिलिट्री एक्सटेंशंस भी करना चाहता है, जिसके कारण वो बार बार इस इलाके की ओर अपने कदम बढ़ाता रहता है। कई विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि चीन इस इलाके में भारत के रोड कनेक्शंस और मिलिट्री बेसिस एवं हवाई अड्डों की भी तबाह करना चाहता है, जिसके कारण वो कुछ भी करने को तैयार है और इस इलाके पर कब्जा करना चाहता है। बता दें कि अक्षाई चीन पर पहले ही चीन ने अपना दबदबा हमेशा से बनाए रखा है, लेकिन भारत ने अपनी हाला कनेक्शंस और लिंक्स के दम पर इस इलाके पर भी अपनी और भी बेहतर कर चुका है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। भारत और चीन के बीच विवाद और तनातनी की इन्फॉर्मेशन हम आपको ज़रूर देते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।